दोस्तों आज हम आपको कलर्स टीवी के शो पर काम करने वाले उन बाल कलाकार के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी बड़े हो चुके हैं। दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर एक, ऐश नूर कौर। कलर्स टीवी पर 2012 के लोकप्रिय शो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा में नविका व्यास की भूमिका निभा चुकी हैं। ऐशनूर अब काफी बड़ी और सुंदर हो गई हैं। 18 साल की ऐशनूर कौर आज सोनी टीवी के सीरियल पटियाला बेब्स में नजर आ रही हैं। नंबर दो, जन्नत जुबेर रहमानी। साल 2011 में टीवी सीरियल फुलवा के किरदार से मशहूर हुई जन्नत जुबेर रहमानी आज 18 साल की हो गई हैं। अब तक ये तू आशिकी और भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप जैसे शो में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ चुकी हैं। इन्होंने इस शोज में अपना किरदार बड़े अच्छे से निभाया है। इन्होंने अपनी एक्टिंग से बहुत लोगों का दिल जीता है। नंबर तीन, इशिता पंचाल। अभिनेत्री इशिता पंचाल साल 2008 में टीवी के सबसे पॉपुलर शो उत्तरन में तपस्या ठाकुर के रोल में नजर आई थी। आज इनकी उम्र 21 साल की हो गई है। अभी काफी बदल चुकी हैं और काफी बड़ी भी हो चुकी हैं। नंबर चार, स्पर्श कंचनदानी। टीवी सीरियल उत्तरन में स्पर्श कंचनदानी ने मुख्य किरदार के तौर पर तपस्या ठाकुर की दोस्त यानी इच्छा भारती की भूमिका निभाई थी। स्पर्श आखिरी बार एन टीवी के शो विक्रम बेताल की रहस्य गाथा के में नजर आई थी। उत्तरन में स्पर्श ने इच्छा का रोल बहुत अच्छे से निभाया था। विक्रम बेताल के बाद अभी तक स्पर्श किसी भी रियलिटी शो में नजर नहीं आई। नंबर पाँच, स्पंदन चतुर्वेदी। साल 2014 के कलर्स टीवी के फेमस शो उड़ान में चकोर की भूमिका में स्पंदन चतुर्वेदी को काफी पसंद किया गया था। अब स्पंदन 12 साल की हो चुकी है। स्पंदन इस साल शकुंतला देवी और ट्रिपल आर जैसी फिल्मों में नजर आने वाली है। स्पंदन ने अपने किरदार से बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। नंबर छह, धृति भाटिया। साल 2008 के सीरियल जय श्री कृष्ण में कृष्ण का किरदार धृति भाटिया ने निभाया था। बता दें कि शो में इनके काम को बेहद पसंद किया जाता था। आज धृति भाटिया की उम्र 16 साल की है। धृति अब पहले से काफी बदल चुकी हैं। लोग इनके किरदार को देखना बहुत पसंद करते थे। धृति उसके बाद किसी भी रियलिटी शो में नजर नहीं आई। नंबर सात, अविका गौर। अविका गौर ने टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाया था। अविका को आनंदी के किरदार से ही बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। अविका तेलुगु इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। बता दें कि इन्होंने राजू गरी घारी 3, मांझा और थाना मीनू जैसे दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अविका पहले से बहुत ही सुंदर हो गई हैं। अविका छोटी सी उम्र में ही बहुत पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।